मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आई इज इक्वल टू 5x^8 प्लस 7x^6 अपॉन दिस होल स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रल और हमको दिया है f0 = 0 कांस्टेंट निकालने के लिए और हमसे पूछा है f1 = 1 की वैल्यू और ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में जेई की 2019 के एग्जाम में। तो इसके लिए देखें आप क्या तरकीब है कि सबसे पहले आप यहाँ से नीचे से x^7 कॉमन ले लें, तो x^7 जब कॉमन लेंगे तो देखना क्या क्या आएगा आपके पास, यहाँ होगा x^2 / x^7, यहाँ हो जाएगा 1/x^7, यहाँ हो जाएगा 2 और होल स्क्वायर 5x^8 प्लस 7x^6 dx। अब देखिए ये हो गया आपके पास 5x^8 प्लस 7x^6 अपॉन x^7 का होल स्क्वायर है x^14, तो ये हो गया आपका ये इंटू 1/, ये कैंसिल हो गया इससे तो ये हो जाएगा 1/x^5 प्लस 1/x^7 प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब इसको सेपरेट कर लें आप, तो सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, 5x^8 अपॉन x^14, तो x^6 ये हो जाएगा 7, x^6 x^14 को काटेगा x^8 और ये हो गया आपके पास 1/x^5 प्लस 1/x^7 प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब हम t सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे जो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो इसे आइए t से इक्वेट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू व्हाट, लेट अस पुट t इज इक्वल टू 1/x^5 प्लस 1/x^7 प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन dt/dx, 1/x^5 का डिफरेंशिएशन -5/x^6, इसका डिफरेंशिएशन -7/x^8 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0। dt/dx इज इक्वल टू दिस मच और माइनस 1 कॉमन, 5/x^6 7/x^8 dx माइनस को ट्रांसफर मारो, माइनस dt इज इक्वल टू 5/x^6 प्लस 7/x^8 dx। अब i इक्वल टू लेट अस सी व्हाट द i विल बी दिस होल विल बी रिप्लेस बाय माइनस dt, मींस दिस होल विल बी रिप्लेस बाय माइनस dt अपॉन t² माइनस कॉमन 1/t² कैन बी रिटन एज t^-2 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस t^-2 प्लस 1 अपॉन -2 + 1 माइनस प्लस सी, ऑफ कोर्स माइनस प्लस सी इज इक्वल टू t^-2 + 1 इज t^-1 एंड दिस -2 + 1 इज -1, माइनस माइनस कैंसिल एंड दिस विल बी 1/t प्लस सी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, 1/1/x^5 प्लस 1/x^7 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज f(x). नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस f(x) and then we shall substitute this f0 = 0। पहले सिंप्लीफाई कर दें फिर उसमें x की जगह 0 डाल दें। अभी अगर x की जगह 0 डालेंगे तो 1/0 विल बी इन्फिनिटी, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो f(x) इज इक्वल टू 1/x, इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम होगा इसका x^7, यह आएगा x² + 1
प्लस 2x टू द पावर 7 होल स्क्वायर प्लस सी. x टू द पावर 7 ऊपर भेज दें बट बीइंग दिस स्क्वायर इट बिकम्स x टू द पावर 14 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 7 होल स्क्वायर प्लस सी. दिस इज व्हाट f ऑफ x. नाउ वी आर गिवन f ऑफ 0 इज 0 एज f ऑफ 0 इज 0. देयरफॉर f ऑफ 0 की जगह भी 0 आएगा और x की जगह 0 आ जाएगा. तो बीइंग 0 इन न्यूमरेटर सब कुछ 0. तो c का वैल्यू आ गया. व्हाट इज c? c इज 0. अगर c का वैल्यू 0 आ गया है तो देयरफॉर f ऑफ x विल बी x टू द पावर 14 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 7 होल स्क्वायर प्लस 0. Now we are asked to find f of 1. Therefore, f of 1 के लिए x की जगह 1 डाल दें. 1 upon 1 plus 1 plus 2 to the power 2 is equal to 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 square 16. So answer is 1 by 16. तो ये देखा आपने कि ये पिछले questions से मिलता जुलता question ही है जो आपने सॉल्व किया. अब इसी की टेक्निक के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 1 अपॉन x x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 इस टाइप का. तो इसमें आप x टू द पावर n कॉमन ले तो इट बिकम्स x टू द पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर n. And you can substitute t is equal to 1 plus 1 by x to the power n. dt by dx will be 0 and differentiation of this, keep in mind, minus n upon x n plus 1. This you can remember, this you can learn as a formula. d dx of 1 by x to the power n is minus n upon x to the power n plus 1. And this you can write dt upon minus n is equal to dx upon x to the power n plus 1. Therefore, this dx upon x to the power n plus 1 can be replaced by this dt upon minus n. So, replace this by this dt upon minus n. Therefore, this integral I, let this integral be equal to I. Therefore, I equal to dt upon minus n and into this t minus 1 by n common integral of 1 by t is log t plus c minus 1 by n substitute value of t log of 1 plus 1 upon x to the power n plus c. So finally integral of this integral is this. Similar question is this, you may try at home. Dx upon x to the power 6 minus 1. One more writing, I am writing dx upon x 1 plus x to the power 4. Similar question, one more question is there. Question number 7, dx upon x plus 1 x square plus 2x plus 2. X square plus 2x plus 2. So to integrate this integral you need to proceed as follows. X plus 1 as it is, write x square plus 2x plus 2 as x square plus 2x plus 1 plus 1, and this x square plus 2x plus 1 will be x plus 1 whole square. X plus 1 whole square. So the integral will be I is equal to, let the integral be I will be equal to dx upon x plus 1 whole square plus 1. X plus 1 whole square common, so it becomes x plus 1 into x plus 1 square, x plus 1 cube, 1 plus 1 upon x plus 1 square into dx. Now you can substitute as usual t is equal to 1 plus 1 upon x plus 1 square.
dt by dx will be differentiation of 1 0, and differentiation of this will be minus 2 upon x plus 1 whole cube, which you can write dt upon minus 2 dx upon x plus 1 whole cube. So dx upon x plus 1 whole cube can be replaced by dt upon minus 2. Therefore the integral will be I is equal to dt upon minus 2, and this 1 plus 1 by x plus 1 whole square t minus 1 by 2 common, integral of 1 by t is log t plus constant c, substitute value of t log of 1 plus 1 upon x plus 1 whole square plus c. So this was the integral of this kind of integral. Similarly, you may solve many questions, n number of questions, it is up to you. Do like, subscribe and share my channel, and wish you all the best